हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, क्या आप आईटीआई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं और आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं कोई गल्फ कंट्री के लिए या कोई कंपनी के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप जब इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इस वीडियो में मैंने 10 तरह का ऐसे क्वेश्चन और आंसर बताया है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, जो कि आपको हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, आप नेट पे सर्च कर रहे हैं या यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, मैं 10 तरह का ऐसे क्वेश्चन आंसर बताया हूँ जो कि 100% पास हो जाएंगे। रिसेंटली मेरे दोस्त से पूछा गया था, तो दोस्तों देर ना करते ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के उपाय बताएं। तो दोस्तों, आपसे क्वेश्चन जितना पूछा जाए उतना ही बताएं। तो इसमें वो आंसर में हमने बताए हैं, देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिकल शॉक से बचने के लिए बहुत सारे उपकरण और उपाय होता है, जिसमें हमने 7 तरह का आपको बताया है, जो कि आपको आंसर दे सकते हैं, ये तो पास हो सकते हैं। सेफ्टी उपकरण का प्रयोग हमेशा करें। दोस्तों, आप सेफ्टी जो है सेफ्टी फॉलो हमेशा आप करें, जहाँ भी काम करें कोई भी तरह का सेफ्टी आप फॉलो करें और सावधानी से काम करें। जो भी काम करें ना, सावधानी से आप काम करें। तीसरा, कटे वायर का प्रयोग ना करें। जैसे कि एक्सटेंशन कॉर्ड है, आप कहीं ड्रिल मशीन चलाने के लिए यूज कर रहे हैं, तो आप उसमें देख लें कि कटा हुआ वायर नहीं ना, कहीं मेटल में टच हो जाएगा तो आपको शॉर्ट लग सकता है, करंट लग सकता है, तो आप वो यूज ना करें। चौथा है, टूटे स्विच या सॉकेट का किसी उपकरण का प्रयोग ना करें। जैसे स्विच सॉकेट टूटा है, एक्सटेंशन कॉर्ड में स्विच और सॉकेट लगता है, 3 पिन प्लग लगता है, वो टूटा है, डैमेज है, तो उसका बिल्कुल आप यूज ना करें। बहुत सारे दोस्त होते हैं कि टेप मार के यूज कर लेते हैं 3 पिन में, तो ना करें, ठीक है। सेफ्टी टैग को देख कर ही काम करना चाहिए। आप जब भी इसका फोल्डिंग पे कहीं भी काम कर रहे हैं ना, पैनल पे कहीं भी काम कर रहे हैं, तो टैग लगा हो, किस तरह का टैग वहाँ पे अप्रूवल है, उस तरह देखकर आप काम करना चाहिए। ज़्यादातर ग्रीन टैग हो तो आप काम कर सकते हैं। और छठा है, लाइव पैनल हो, उस पर परमिट के बिना कोई काम ना करें, ठीक है। कहीं भी काम करें परमिट के बगैर कहीं काम ना करें, और सही इलेक्ट्रिकल टूल्स का आप उपयोग करें। कहीं भी काम करें तो सही उस पर इंसुलेशन चढ़ा हो, लाइव काम कर रहे हैं तो आप करें। ये आप 7 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किसी 5 फ्यूज का नाम बताएं। दोस्तों, आपको बता दूं, फ्यूज बहुत तरह का होता है, जैसे पुराने ज़माने से बदलते हुए आ रहा है तो लेटेस्ट बनते जा रहा है, और फ्यूज बहुत तरह का होता है, जिसमें मैंने बताया हूँ 5 तरह का फ्यूज का नाम। जैसे पहला, कॉपर फ्यूज जो पुराने मॉडल में यूज होता था, शीशे का फ्यूज जो अलग अलग इक्विपमेंट में यूज होता है, ठीक है। एल्युमिनियम फ्यूज, एल्युमिनियम का जो फ्यूज है, ये अभी रिसेंटली यूज होता है, ठीक है ना, ये बंद नहीं हुआ है। बहुत सारे है पुराने ज़माने में जो बंद हो गया है। टिन या जस्ता का फ्यूज, चिकनी मिट्टी का फ्यूज बहुत कम यूज हो रहा है, गांव देहातों में ये चिकनी मिट्टी का फ्यूज यूज हो रहा है। तो दोस्तों, बहुत तरह का ये फ्यूज होता है, जिसमें 5 आप बता सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एक मोटर का कार्य क्या होता है, ठीक है दोस्त, एक मोटर का काम क्या होता है। तो आपको बोलना है आंसर में, एक मोटर का कार्य इलेक्ट्रिक ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में बदलना काम होता है, ठीक है। एक मोटर को इलेक्ट्रिक ऊर्जा से मैकेनिकल ऊर्जा में बदलना काम होता है। जैसे कि दोस्तों, आपके घर में जो मोटर लगा रहता है और पानी आप उससे चढ़ाते हैं, यूज करते हैं अपने घरों में नॉर्मल, और कोई फैक्ट्रियों में मोटर बहुत सारे लगा रहता है जो कि मशीन को रन करने के लिए, या आप देखे होंगे कंस्ट्रक्शन लाइन में क्रेन ऑपरेट होता है, तो मोटर से ही होता है करंट अपडेट। तो दोस्तों, आपको बता दूं, ये अलग अलग मोटर अलग अलग कार्य के लिए होता है। इस पर मैं एक वीडियो बनाया हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर जरूर देखिएगा कौन सा मोटर कहाँ यूज होता है। तक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, EMF का फुल फॉर्म बताएं, ठीक है दोस्त, आपसे पूछ दिया जाएगा EMF का फुल फॉर्म क्या है, आप बताएं क्या होता है। तो आपको बोलना है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है EMF का फुल फॉर्म, ठीक है, आपको ऐसे बताना है। बिल्कुल शॉर्टकट में पूछा जाएगा, तो शॉर्टकट में ही आप बताएं, उसका आंसर दें। और PD और HD का फुल फॉर्म क्या है, PD और HD का पूरा नाम बताएं। तो आपको बोलना है पोटेंशियल डिफरेंस PD का फुल फॉर्म होता है, और हाई टेंशन HD का फुल फॉर्म होता है, ठीक है दोस्त, आपको ऐसे बोलना है। और छठा क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक में रेजिस्टेंस का क्या काम है, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक में रेजिस्टेंस का क्या काम है। तो आपको बोलना है, जब पदार्थ अपने अंदर से करंट निकालने नहीं देती है या मार्ग से रुकावट उत्पन्न करता है, तो उसे हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं।
आपको ऐसे बोलना है, ठीक है दोस्त। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर ले, क्योंकि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड मैं वीडियो बनाते रहता हूँ, हमेशा अपडेट आपको क्वेश्चन आंसर मिलते रहता है। सातवां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक करंट का इकाई क्या है। दोस्तों आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक करंट का इकाई क्या है, तो आपको बोलना है एम्पियर, इसका इकाई है, ठीक है। आठवां क्वेश्चन पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगने के कारण बताएं। जब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो होता है उसमें आग क्यों लगता है उसके कारण बताएं, तो आपको बोलना है विद्युत उपकरण में आग लगने की कई कारण होता है, जैसे कि आपको बता देना शॉर्टकट में, गलत फ्यूज का उपयोग करना, ठीक है। ओवरलोड प्रोटेक्शन लगाना चाहिए लाजिम, क्योंकि मशीनों में ओवरलोड प्रोटेक्शन ज़रूरी होता है, अभी तो पूरे मशीनों में ओवरलोड प्रोटेक्शन आ रहा है। हाई वोल्टेज, जैसे कि वोल्टेज ज़्यादा बढ़ जाता है तब आपका उसमें आग लगने की चांस रहता है। वायर एक्सपोज, जैसे कि बाहर बाहर से वायर लेकर जा रहे हैं तो उस पर क्या है, कहीं कट गया, कहीं पे ओवरलोड हो गया तो फट जाता है, तो कुछ गाड़ी चढ़ जाती है तो ख़राब हो जाता है, तो उससे भी आग लग सकती है। मोटर अगर जाम चलती है तो आग लग सकता है, क्योंकि उसको बहुत जाम चलने से भी वायर गर्म होगा और आग लग सकता है, ठीक है। वायरिंग करते समय आपको वायर को गलत सिलेक्शन करते हैं। नवा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिकल पावर को मापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रिकल को पावर को नापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग करते हैं, तो बिल्कुल आपको शॉर्टकट में आंसर देना है, ठीक है, वाट मीटर, ठीक है। वाट मीटर से इलेक्ट्रिकल पावर को हम मापते हैं, आपको ऐसे क्वेश्चन का आंसर देना है। दसवां क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, लास्ट, इलेक्ट्रिकल पावर को इकाई में क्या बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पावर को इकाई क्या होती है, ठीक है, तो आप बोला वाट, बस इतना बोलना है, वाट होती है, ठीक है दोस्त। ये तो आप यहाँ तक समझ गए दोस्तों, अगर पुराने व्यूअर हैं तो प्लीज़ कमेंट करें आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। आशा करते हैं कि दोस्तों पूरे प्रश्न में से कोई भी प्रश्न आपसे पूछे जाए तो आप ज़रूर जवाब दें पाए। दोस्तों अगर यह पोस्ट ITI इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर इन हिंदी में अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।